उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में 11 जुलाई 1923 को पैदा हुई उमा देवी खत्री। उमा के माता पिता की मृत्यु जल्दी ही हो गई थी, इसलिए उन्हें उनके एक चाचा ने पाला। चाचा जी बहुत ऑर्थोडॉक्स कंजर्वेटिव थे, इसलिए उन्होंने उमा को पढ़ाया लिखा नहीं, उमा ने अपने आप ही लिखना पढ़ना सीख लिया। उमा को बचपन में रेडियो सुनने का बड़ा शौक था और उसे सुनकर ही मन में खुद गीत और गाना गाने की इच्छा जागृत हुई। सिर्फ 13 साल की उम्र में सिंगर बनने के लिए अपने गांव से भागकर उमा पहुंच गई बंबई। बंबई में उमा देवी ने कई संगीतकारों के दरवाजे खटखटाए, बहुत स्ट्रगल किया। सबसे पहले उन्हें गाना गाने का मौका मिला 1946 में बनी वामिक अजरा में, जिसके संगीत निर्देशक थे AR कुरैशी, यानी कि मशहूर तबला नवाज उस्ताद अल्लाह रखा खां। अब एक दिन उमा देवी पहुंच गई नौशाद साहब के पास और उन्हें धमकी दे डाली कि अगर उन्होंने उमा को गाने का मौका नहीं दिया तो वो उनके घर के सामने वाले समंदर में कूद जाएंगी और खुदकुशी कर लेंगी। इस धमकी का असर ये हुआ कि नौशाद साहब ने उनका ऑडिशन लिया और एक गाना गाने का मौका भी दे दिया। गाने के साथ ही नौशाद साहब ने उन्हें संगीत की तालीम देनी भी शुरू कर दी। आहिस्ता आहिस्ता उमा का करियर निकल पड़ा। नौशाद साहब की मदद से उन्होंने प्रोड्यूसर डायरेक्टर AR कारदार के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया और 1947 में कारदार साहब की फिल्म दर्द में एक गीत गाया, अफसाना लिख रही हूं दिले बेकरार का। इस गाने की कामयाबी ने उमा देवी को बहुत पॉपुलर कर दिया। उमा देवी बन गई सिंगिंग स्टार। अब हुआ यह कि AR कारदार के साथ कॉन्ट्रैक्ट में बंधे होने के बावजूद उमा देवी ने जैमिनी स्टूडियोज चेन्नई की एक फिल्म चित्रलेखा के गाने गा डाले। इस फिल्म के 7 गानों के साथ उनकी शोहरत में तो इजाफा हो गया है, पर कारदार साहब के साथ उनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया। इस कॉन्ट्रैक्ट के टूटने के बाद उमा को एक तरफ तो बॉम्बे में काम मिलना बंद हो गया और दूसरी तरफ लता और आशा की एंट्री की वजह से उनका सिंगिंग करियर ऐसा डगमगाया कि फिर कभी संभल ही नहीं पाया। ऐसे मुश्किल दौर में एक बार फिर नौशाद साहब उनका सहारा बने। उन्होंने उमा देवी के गोल मटोल और उनकी कॉमिक टाइमिंग को देखकर कॉमेडी रोल करने का सुझाव दिया। न सिर्फ सुझाव दिया बल्कि 1950 की फिल्म बाबुल, जो खुद नौशाद साहब ने बनाई थी, इस फिल्म में उमा देवी को एक रोल भी दे दिया। साथ ही गोलू मोलू होने के कारण एक नया नाम दे दिया, टुनटुन। जल्दी ही टुनटुन ने अपने काम से सबके दिलों को जीत लिया और सिंगिंग से पूरी तरह से किनारा कर डाला और एक्टिंग में उतर गई। 50 साल के करियर में उन्होंने तकरीबन 200 फिल्मों में काम किया। दीदार, मरीन ड्राइव, CID, मिस्टर एंड मिसेस 55, चौदहवीं का चांद, बंबई का बाबू, दिल अपना और प्रीत पराई, हाफ टिकट, माँ की गुड़िया, चाचा भतीजा, अनगिनत फिल्मों में यादगार रोल किया। आखिरी बार वो 1998 में फिल्म एक आदमी में नजर आई थी। 24 नवंबर 2003 को टुनटुन जी का देहांत हो गया, लेकिन अपने पीछे छोड़ गई अनगिनत यादें और हस्ती खिलखिलाती परफॉर्मेंसेस। महमूद के वालिद साहब नशे में धुत पीट रहे थे उनकी मदर को, बालक महमूद से बर्दाश्त नहीं हुआ और उन्होंने रिटेलिएट कर दिया। गुस्से में, क्रोध में अपने पिता के मुंह पर एक तमाचा जड़ दिया। इस तमाचे की कीमत महमूद को क्या चुकानी पड़ी बताऊंगा वापस लौटकर। आप सुनते रहें सुहाना सफर विद अनु कपूर, सिर्फ 92.7 बिग FM पर। 92.7 बिग FM पर आप सुन रहे हैं रेडियो का नंबर 1 शो सुहाना सफर विद अनु कपूर।